और देखिए अब आपको बताते हैं कि लेबनान में तबाही की मिसाइल कैसे गिरी। हिजबुल्ला चीफ के भाषण के दौरान यह हमला किया गया। जब हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला भाषण दे रहा था उस दौरान यह हमला किया गया है। इजरायली फाइटर जेट्स की तरफ एयर स्ट्राइक यहां पर की गई। आपको बता दें जो बुनियादी ढांचा है हिजबुल्ला का उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इजरायली फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायल का हवाई हमला किया गया है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया है। तो ये आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से कई मिसाइल लॉन्च पैड वेपन डिपो जो है इसमें तबाह हो गए हैं। खियाम में वेपन स्टोरेज फैसिलिटी पर भी हमला किया गया है। किस तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है, लड़ाकू विमानों ने कई बस्तियों को भी निशाना बनाया। ये जो लड़ाकू विमान यहां पर छोड़े गए उन्होंने कई बस्तियों को निशाना बनाया और साथ ही साथ हिजबुल्ला के खिलाफ ये ऑपरेशन और भी तेज करने की तैयारी इसराइल की तरफ से है। और जो सेंटर है वो बेरूत शहर है। आपको बता दें जो बुनियादी ढांचा है हिजबुल्ला का उसको कमजोर करने की कोशिश इसराइल की तरफ से लगातार की जा रही है। और बता दें आपको कि इसराइल की ओर से लगातार जारी स्ट्राइक के बाद हिजबुल्ला के आतंकियों में हड़कंप मच गया है। खुद को बचाने की कोशिश करते ये दिख रहे हैं आतंकी, लेकिन इसराइल की स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं ले रही है। जानबूझकर उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर हिजबुल्ला के आतंकी छिपे हुए हैं। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे तमाम लड़ाकू विमान इसराइल के जो लगातार बैक टू बैक हमले कर रहे हैं हिजबुल्ला के ठिकानों पर, उन जगहों पर हिंदुओं की आस्था की जहां पर हिजबुल्ला के लड़ाके हिजबुल्ला के आतंकी छिपे हुए हैं उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है, यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए और ये आंखों में अफरा तफरी मच गई। तो आपको बता दें आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। आतिशी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया है। और चलिए एक बार फिर से लौटते हैं इजराइल का, जो लगातार हिजबुल्ला पर अटैक जारी है उस खबर पर। आपको बता दें तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 3 दिन 3 अटैक। और इस बीच हिजबुल्ला में अफरा तफरी मच गई है क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि अब हिजबुल्ला का खात्मा तय है। लेबनान पर हमला, एक और युद्ध छिड़ा। नसरल्ला ने दी धमकी, नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक की। तबाही के 3 दिन लेबनान रहा दिन गिन। पिछले 3 दिनों में लेबनान में जो हुआ उससे इसराइल के अकल्पनीय हमले का कैनस नजर बदल गया, बल्कि बहुत बड़ा हो गया। 17 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्ला के करीब 3,000 पेजर फट गए। 18 सितंबर को इससे एक स्टेप ऊपर आगे बढ़ते हुए हिजबुल्ला के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टारगेट कर धमाके किए गए। धमाकों की गूंज न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया में भी सुनाई दी, जिसके छींक
ईरान पर भी पड़े। ईरानी नागरिक और अधिकारी घायल हुए। हिजबुल्ला अभी इन धमाकों से उबरा भी नहीं था कि इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी शहरों में लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी कर दी। ये हमला हिजबुल्ला के अड्डों पर हुआ। पहले पेजर अटैक, फिर गैजेट्स हैक कर अटैक, उसके बाद एयर स्ट्राइक से हिजबुल्ला चीफ बौखला गया। वो सामने आया, अपने बयानों से तबाही को दावत दे दी। اخرون يقولون لا شك ان حزب الله يحقق انجازات استراتيجيه في الشمال ان هم عم يحكوا عن انجازات استراتيجيه هم عم يحكوا عن هزيمه تاريخيه هم عم بيقولوا انهم خسروا الشمال هم عم يحكوا عن حزام امني داخل الكيان داخل فلسطين المحتله في الحدود الشماليه لاول مره منذ 75 عاما इधर नसरुल्लाह का भाषण खत्म हुआ और उधर इसराइल ने हवाई हमला शुरू कर दिया। आईडीएफ ने साफ कहा कि वो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। करीब 100 रॉकेट लॉन्चर हमले किए गए। एक तरफ इसराइली हमले में हिजबुल्ला बौखलाया है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने नागरिकों के घायल होने के बाद इसराइल पर आंखें तरेर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्ला इसराइल को सबक सिखाने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसराइल ने सभी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, प्लान तैयार कर लिया है और इसलिए ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। अब कहां कहां हमले हुए हैं ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए चीहनी, वो चीहने वो जगह है जहां पर ब्लास्ट किया गया। तैयबे, ये भी वो जगह है, उसके ऊपर आप देखेंगे तैयबे जहां पर ब्लास्ट किया गया। पेजर, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया, मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, तो ये वो जगह है जिनको निशाना बनाया जा रहा है। मीस अल जबल, यहां पर भी हमला किया गया। किस तरीके से एतरोन, यहां पर भी हमला किया। ये तमाम जगह आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिसके ऊपर निशाना साधा गया। कफर केला, यहां पर भी हमला किया गया और ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में ये एयर स्ट्राइक हो रही है। दक्षिणी लेबनान का ये एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें तमाम वो शहर है जो सामने आए हैं जिसमें हमले किए गए हैं और कई लोगों की मौत की भी जानकारी है। यानी कि जो हिजबुल्ला का जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा, उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार इसराइल की तरफ से की जा रही है। ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। तीन ट्रिपल अटैक जो है हिजबुल्ला पर किया जा रहा है, यानी कि हमास के बाद अब हिजबुल्ला को निस्तनाबूद करने की कसम इसराइल की तरफ से खाली गई है और इसीलिए देखिए उसी कड़ी में लगातार ये अटैक किए जा रहे हैं।